हेलो गाइज, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। शातिर तरीके से रिश्वत लेने वाली महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि वीडियो हुई थी उनके रिश्वत लेते हुए वायरल। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं और आप लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं। उस सवालों का जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस महिला कांस्टेबल जो कि ट्रैफिक पुलिस की महिला कांस्टेबल है, वो रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। वो पकड़ी इसीलिए गई क्योंकि एक्चुअली में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया, इसीलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया। क्या एक्चुअली में जब इसकी वीडियो नहीं पकड़ी जाती तो क्या इसको सस्पेंड किया जाता? क्या एक्चुअली में हर कोई रिश्वत नहीं लेता है? कभी कभार वैसे तो आप ही की गलती होती है क्योंकि आपके पास पेपर्स नहीं होते हैं या हेलमेट नहीं होता और वहां पर आप जल्द से जल्द निकलने के लिए उनको रिश्वत देने के लिए बोलते हैं और वो लोग रिश्वत लेते भी हैं, इसीलिए आप लोग बोलते हैं। क्या ये सब चीजें गवर्नमेंट एक्चुअली में रोक सकती है या नहीं रोक सकती है? आप अपने विचार जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये जो पूरा मामला हमारे सामने पूना से आ रहा है, जहां पर एक्चुअली में जो ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल है पिपरी कैंप के साई चौक में एक्चुअली में तैनात थी और वहां पर चेकिंग कर रही थी। उस दौरान उनके पास आके एक एक्टिवा खड़ी होती है, वो एक्टिवा में दो महिलाओं को रोक लेती है और महिलाओं को रोकने के बाद उनसे काफी देर तक बातचीत करती है और काफी देर तक बातचीत करते हुए वो उनको ये चीज बोलती है कि वो चुपके से उनकी पीछे वाली पैंट की जेब में पैसे डाल दे। और लड़की ऐसा ही करती है, काफी ज्यादा शातिर तरीके से वो जाती है, उनकी पैंट की पीछे वाली जेब में पैसे डाल देती है और उस दौरान ही ये जो वीडियो है वो कैप्चर हो जाती है। सोशल मीडिया पे जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, बड़े अधिकारियों ने इसका पता लगाया और उस महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया और आगे की कार्रवाई करने के लिए भी बोल दिया गया है। उस दौरान उस महिला कांस्टेबल के साथ एक्चुअली में अन्य पुलिस वाले भी खड़े थे। पर क्या आप लोगों को लगता है कि ये सस्पेंड करने के बाद ये सिलसिला जो है वो एक्चुअली में खत्म हो जाएगा, वो डर जाएंगी और वो कभी रिश्वत नहीं लेंगी? तो क्या ये सब चीजें हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब पुलिस रिश्वत ना ले, उसी के साथ हम लोग भी सुधर जाएंगे और हम लोग भी हेलमेट पहनेंगे, मास्क पहनेंगे, गाड़ी के पेपर्स प्रॉपरली रखेंगे, पोल्यूशन पेपर्स प्रॉपरली रखेंगे, इंश्योरेंस करा के रखेंगे, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्रॉब्लम अगर एक जगह पर है तो दूसरी जगह पर भी जरूर है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।